तस्वीर किस तरह से, ये आप देख रहे हैं, एक एम्बुलेंस देखिए आकर गिरी है, ये आप देख रहे हैं, देखिए जरा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कर्नाटक की है, लेकिन हिला देने वाली ये तस्वीरें देखिए, दूर से एम्बुलेंस आ रही है और वो एम्बुलेंस आई है और टोल तक, वो सीसीटीवी जो लगा था उसमें ये तस्वीरें कैद हुई हैं। टोल कर्मी कुछ समझ पाता उससे पहले देखिए कैसे आकर पूरी एम्बुलेंस, देखिए तेज स्पीड में आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उसका ब्रेक फेल हो गया। और देखिए टोल पर जो कर्मी था वो भागा एक तरफ, और किस तरह से पूरी एम्बुलेंस देखिए घूम गई, ब्रेक लगाया या ब्रेक फेल हो गया, पूरी एम्बुलेंस घूम कराकर जो गिरी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये हादसा है। और उसके बाद देखिए जो वहां टोल कर्मी मौजूद है वो किस तरह से पाइप्स के नीचे आ गया इस दुर्घटना के बाद। कर्नाटक की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, खौफनाक घटना है ये, और ये पूरी जो दुर्घटना है ये एक्सीडेंट है, ये हिला देने वाला है। आखिर क्या वजह रही, कैसे ये एम्बुलेंस पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गई ड्राइवर के, और अचानक आकर किस तरह से देखिए जो टोल बूथ है उस काउंटर पर आकर घूमकर गिरी है ये एम्बुलेंस। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद आलम क्या रहा होगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नाटक की मैं आपको दिखा रहा हूं, खौफनाक हादसा हुआ है ये, तेज रफ्तार से एम्बुलेंस आ रही थी, इसको देखकर ऐसा लग रहा है बारिश हुई थी वहां। देखिए आगे आप टोल के आगे देखिए पूरी सड़क गीली है, बारिश हुई थी, बारिश की वजह से क्या ब्रेक फेल हो गया, ड्राइवर कंट्रोल संभाल नहीं सका, और गाड़ी की जो रफ्तार है वो रफ्तार ये बता रहा है कि 120-100 इससे कम इस एम्बुलेंस की रफ्तार नहीं थी। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान नेशनल फर्नीचर से, यहां आपको मात्र 31,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा, और तो और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, तो ऑर्डर करने के लिए अभी कॉल करें 6202187958, पता कांटी के नरसंडा चौक NH 27 के ठीक सामने,